मैंने ये यूके ये सब जगह के बारे में बुक्स में ही पढ़ा हुआ था, तो कभी यहाँ पे आप आओगे तो सोचा नहीं था। तो आइडल में आने के बाद ये सब हो पा रहा है, तो थैंक्स, मतलब सब क्रेडिट आइडल को है। और बस कोशिश कर रहे हैं और भी अच्छे से गाने की, और भी मेहनत करनी होगी ताकि लोगों की जितनी आशाएं हैं वो सब पूरा कर सकें। मैं खुद को लकी मानती हूँ एक पॉइंट पे, क्योंकि आइडल जैसा प्लेटफॉर्म सभी को नहीं मिलता। और हमारा जो सीज़न था इंडियन आइडल 12, ये सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग सीज़न एवर में से एक था। 75 एपिसोड्स हम लोगों ने पूरे किए थे। तो होता ऐसे है कि गाना गाना उससे अच्छा एक प्लेटफॉर्म, एक मंच होना आपके सामने बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ आपका जो भी टैलेंट है वो आप सबके सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। तो आइडल के मंच के वजह से हमें ऑलमोस्ट हर हफ्ते हम लोग वहाँ सेट पे जाते थे और शूट करते थे, और वो सेट घर जैसे बन गया था। मतलब अभी इसीलिए अभी हम आपके सामने बात भी कर पा रहे हैं, तो उसका क्रेडिट मैं आइडल को और जो पूरा 10 महीने में जो भी हमें ट्रेनिंग मिले, हमारे जो भी कोचेस थे, जो भी जजेस थे, उनको देना चाहूँगी। बिकॉज़ अभी बोलने की ताकत भी आ रही है तो शायद वो मंच से है। तो बस इतना ही है, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं आज यहाँ पे हूँ और आप सबके सामने बैठी हूँ। नहीं, दैट्स वेरी ग्रेट। दानिश भाई, आप तो रहे हैं, आप कुछ बोलो। माशाल्लाह सारी चीज़ें तो बोली थी सबने, मैं क्या बोलूँ। मैं तो बस धन्यवाद ही कर सकता हूँ सोनी का एंड सर का। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड रॉक ऑन म्यूजिक का, जिन्होंने हमको यहाँ पर इनवाइट किया। सब लोगों से मिलने का हमें मौका मिल रहा है, एंड इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम 8,000 पीपल के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी लंदन वैम्बली में। यहाँ पर तो माशाल्लाह माइकल जैक्सन, इनके शो हैं, हिमेश रेशमिया, ए आर रहमान, आज वहाँ पर हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सो आई एम जस्ट थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ देम। तो यस, थैंक यू सो मच।